जो भी अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजी सेंटर चल रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो है उसका, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटरों पर जिला स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिला सहित बड़हरिया प्रखंड के कई पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। अवैध अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजी सेंटरों के ऑपरेटरों के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाता। ये अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर पूरे जिले भर में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़हरिया में भी कई अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर हैं, जिनसे मरीजों के रिपोर्ट में गड़बड़ी और परिवार पर अतिरिक्त भार बढ़ जाने की काफ़ी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर मरीजों के और डॉक्टरों के लिए काफ़ी घातक बने हुए हैं, क्योंकि उनके रिपोर्ट में हमेशा गड़बड़ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आइए सुनाते हैं क्या करें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार। सभी अवैध नहीं हैं और हम लोग पहली नज़र बनाए हुए हैं कि जो अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर या लैब चल रहे हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ये क्या नियमित जांच की जाती है कि कहाँ पे अवैध अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी सेंटर है? लोगों को पता चलता है तो हम लोग जाते हैं, जांच करते हैं। कुछ दिन पहले जिला से भी टीम आई थी जांच कर, अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच करने, कार्रवाई हुई है। राजधानी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच किया गया था, उसे सील भी किया गया था जी। अभी क्या सूचना है कि वो चल रहा है या बंद है? सूचना नहीं मिली है कि चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो फिर हम रूसिंग करेंगे और फिर एफ आई आर करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।